कभी बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे राम अचल आजकल समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर सभी जनपदों में पहुंचकर जन समर्थन जुटाने की कवायद कर रहे हैं। इसी क्रम में आजमगढ़ के दीदारगंज विधानसभा क्षेत्र के दिलौरी ग्राम सभा में समाजवादी पार्टी लाओ प्रदेश बचाओ सामाजिक भाईचारा सम्मेलन में पहुंचे राम अचल राजभर ने केंद्र व राज्य की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राम अचल ने कहा कि ये जुमलेबाजों की सरकार है, चाहे बीता लोकसभा का चुनाव हो या राज्य विधानसभा का इलेक्शन, उससे पहले बीजेपी ने बहुत वादे किए थे लेकिन उसको पूरा नहीं किया, जिससे लोगों में आक्रोश है। सर्व समाज को संदेश देने आए हैं कि आने वाली 2022 का चुनाव समाजवादी पार्टी का होगा। जिस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय यात्रा लेकर निकले हैं, चाहे पश्चिम हो या पूर्वांचल, बुंदेलखंड लखनऊ हो, वहां बड़े पैमाने पर जन समर्थन मिल रहा है। यह समर्थन केवल दिखाने के लिए नहीं बल्कि लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। बीजेपी झूठ का पुलिंदा है। यहां आकर जनता को आगाह किया गया है कि उनको बीजेपी वाले गुमराह करेंगे लेकिन उनके झांसे में नहीं आना है। हिंदू मुस्लिम को बांटकर वोट लेने की कोशिश करेंगे, यही बताने आए हैं। जो मंत्री विधायक बीजेपी के हैं उसके क्षेत्र में जाकर पता कर सकते हैं। कोई विकास नहीं किया, युवा बेरोजगार है, इसीलिए लोग नाराज हैं। आजमगढ़ से रत्न प्रकाश त्रिपाठी की रिपोर्ट। सर्व समाज के भाई बहनों को एक संदेश दिया गया कि आने वाला 2022 जो है समाजवादी पार्टी का होगा, क्योंकि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरह विजय यात्रा लेकर चल रहे हैं, चाहे पश्चिम हो, पूर्वांचल हो, बुंदेलखंड हो, लखनऊ है हो, तो बड़े पैमाने पे जन समर्थन मिल रहा है। और वो जन समर्थन केवल दिखाने के लिए नहीं, उनके अंदर जबरदस्त गुस्सा है और क्रोश है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, क्योंकि उन्होंने जितना वादा किया था, चाहे केंद्र की सरकार बनने के पहले, चाहे प्रदेश की सरकार बनने के पहले, हर वादा पे खरे नहीं उतरे, उसका उल्टा हुआ और सभी क्षेत्र में फेलियर घोषित हुई, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। तो आज इस मंच के माध्यम से उनका जो झूठ का पुलिंदा है, जो जुमलेबाजी से सरकार चला रहे हैं, तो आज जनता को आगाह किया गया कि ये गुमराह करेंगे, ये जो है धार्मिक उन्माद पैदा करके हिंदू मुसलमान को बांट कर फिर ये कुर्सी लेना चाहते हैं। लेकिन हमें आपको इन सबसे दूरी बनाकर हमारा लक्ष्य एक होना चाहिए 2022 और इस बीजेपी के शासन को उखाड़ फेंकने के लिए विकल्प के रूप में आज समाजवादी पार्टी है और माननीय श्री अखिलेश यादव जी। जिस तरह से अभी आपने बुलडोजर की बात करी है और कुछ जनपदों का नाम गिनाया है, तो क्या लगता है किन जनपदों में नहीं चला, क्या बुलडोजर? अरे भाई, मैंने कहा टॉप 10 की सूची जारी करा दें, आप उसको दिखा दीजिए, खुद ही पता लग जाएगा। जिस तरह से अखिलेश यादव भी आने वाले विधानसभा चुनाव में 350 प्लस सीटों की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि हम अपने कामों पे हमें पूरा भरोसा है, क्या लगता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी काम कहाँ को दिखा? आजमगढ़ में आप चाहे बीजेपी के ही विधायक मंत्री हैं, उनके क्षेत्र में आप देख लीजिए, विकास पूरी तरह चरमरा गया है, विकास के कार्य अवरुद्ध है, केवल नाम रोगन रंग रोगन लगा के उन प्रोजेक्टों का केवल लोकार्पण करना, जिन प्रोजेक्टों पे माननीय श्री अखिलेश यादव अपनी सरकार में लोकार्पण कर चुके हैं, और केवल जिले का नाम बदलना, बाकी तो आज जो है युवा बेरोजगार बड़े पैमाने पर लाठी खा रहा, रोटी के लिए जाता है तो लाठी चार्ज होता है, जितनी भी वैकेंसी आज तक इस गवर्नमेंट ने निकाली कोई